हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो सिस्टम एप्लीकेशंस होते हैं या प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन भी कहते हैं, जो मोबाइल के साथ डिफॉल्ट आता है और उसका यूज हम नहीं करते फिर भी हमारे फ़ोन में होता है और इसे हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं यानी डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी नहीं होता है, तो इसको आप किस तरह डिलीट कर सकते हैं जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो जो भी मोबाइल के साथ एप्लीकेशंस आते हैं, जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस होते हैं जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो इसको डिलीट करने के लिए एक मेथड है, उसका नाम है रूट। अगर आप फ़ोन को रूट करते हैं तो इसके ज़रिए आप जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है या सिस्टम एप्लीकेशन है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को रूट करते हैं तो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी भी ख़त्म हो जाएगा और आपका फ़ोन भी डेड हो सकता है, यानी कि आपका फ़ोन भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि आप अपने फ़ोन को रूट करें, आप जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरह आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इस एप्लीकेशन से काफ़ी स्टोरेज का प्रॉब्लम होता है, यानी कि स्टोरेज जल्दी भर जाता है, आपका स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है इस एप्लीकेशन की वजह से, तो आप दो तरीका कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जिस एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करते हैं, जो सिस्टम एप्लीकेशन है, उसको डेटा को आपको क्लियर करना होगा। हम बीच बीच में आप क्लियर करते रहेंगे जिससे आपका स्टोरेज मेंटेन रहेगा, आपका स्टोरेज जल्दी नहीं भरेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर देते हैं तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोनों मेथड को करने के लिए आपको क्या करना होगा, मोबाइल के सेटिंग को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, या इंस्टॉल्ड ऐप्स का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। ऐप्स पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि मैनेज ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। तो मैनेज ऐप्स पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल होंगे। तो जिस एप्लीकेशन का आप यूज़ नहीं करते हैं, जो भी सिस्टम एप्लीकेशन है, उसको यहाँ पर आप फोर्स स्टॉप कर देंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी सारे आ चुके हैं फाइल्स, जैसे हम इसको ले लेते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो तरह का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है, एक मेरा फोर्स स्टॉप का, दूसरा मेरा क्लियर डाटा का। तो हम सबसे पहले क्लियर डाटा पर क्लिक करके इसको जो भी इसका डाटा उसको हम क्लियर कर देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं क्लियर ऑल डाटा, इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसका डाटा क्लियर हो जाएगा। इसको क्लियर करने से हमारा फ़ोन का स्टोरेज काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्स स्टॉप का एक बटन है, इस पर आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन को रोक सकते हैं जिससे आपके फ़ोन में रन नहीं करेगा। इन तरीकों से अपने मोबाइल का स्टोरेज को आप खाली रख सकते हैं। लेकिन आप इसे अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो रूट मेथड है, और रूट मेथड आपके फ़ोन के लिए सही नहीं हो सकता, आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो जैसा आपको ठीक लगा वैसा आप कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।